बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए के साथ जाने पर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा है क्योंकि सभी लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं। ये तो बड़ा अच्छा हुआ और मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़ी जल्दी उनकी कलाई खुल गई। अगर बाद में कुछ ऐसा हो जाता तो इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाते जो ज्यादा खतरनाक होता। सपा सांसद ने कहा कि उनका इतिहास भी रहा है। नीतीश कुमार ने 9 बार मुख्यमंत्री पद से शपथ ली है, 5 बार उन्होंने पलटियां मारी है। अगर गठबंधन जीतता है तो हो सकता है वो फिर पलटी मारकर आ जाए। वहीं उत्तराखंड सरकार की ओर से मदरसों में श्री राम को पढ़ाए जाने के सवाल पर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कड़ी आपत्ति जताई। ये उनका कहना कि मदरसे मजहबी दीनी तालीम देते हैं और उसमें इस्लामी तालीम दी जाती है। जबरदस्ती कोई भी तालीम नहीं थोपनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे देश को नुकसान होता है। देखिए, मदरसे मजहबी दीनी तालीम देते हैं और दीनी तालीम में वो इस्लाम की तालीम दिया करते हैं। ज़बरदस्ती कोई भी तालीम नहीं थोपनी चाहिए। कल को अगर मैं ये कहने लगूँ कि शिशु मंदिर में हज़रत गौसे आज़म जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का भी एक सबक होना चाहिए तो क्या ये एक्सेप्ट करेंगे? उत्तराखंड की सरकार करेगी? स्कूलों के अंदर कुरान पाक की हिदायत का भी चैप्टर होना चाहिए? तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनको आदत हो गई है कि कहाँ कंट्रोवर्सी पैदा करें, कहाँ हिंदू मुसलमान करें और मुसलमानों की कहाँ दिल आज़ारी हो वो काम करें, उतने ही बड़ा बीजेपी में लीडर बन जाता है। तो मैं समझता हूँ कि वो कह रहे हैं लागू करेंगे लेकिन इसे कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं। देखिए, इंडिया गठबंधन अपनी जगह पे मजबूती से खड़ा है, सब लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं। ये तो बड़ा अच्छा हुआ और मैं तो कहता हूँ ऊपर वाले का शुक्रिया करता हूँ कि बड़ी जल्दी उनकी कलाई खुल गई। अगर बाद में कुछ ऐसा हो जाता तो ये बाद में इंडिया गठबंधन को जो सेबोटाइज करते, जो नुकसान पहुंचाते, वो और ज़्यादा ख़तरनाक होता इलेक्शन के बाद। क्या लगता है किसी दबाव में किया है या मन से किया है उन लोगों? नहीं, लालच से करा है, उनको कुछ और नज़र आ रहा है, इसीलिए क्योंकि उनका इतिहास है। 9 बार उन्होंने शपथ ली है, 5 बार उन्होंने पलटियाँ मारी हैं। अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो हो सकता है वो फिर पलटी मार के आ जाए। अच्छा, बंगाल के लिए जो ममता बनर्जी, उनके लिए भी अफवाह उड़ाई जा रही है, उसमें कितनी सच्चाई, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ममता जी गठबंधन के साथ है, उन्होंने साफ इस बात को कहा है कि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे।